सो so चलो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है सो so क्वेश्चन है द द हाइट हाइट ऑफ पॉइंट वर्टिकली अब द अर्थ सर्फेस एट विच द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स वन परसेंट ऑफ इट्स वैल्यू एट द सर्फेस इज सो हमें ऐसी हाइट पता करनी है जिस हाइट के ऊपर uh, स्मॉल जी जो है मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलोरेशन उसकी जो वैल्यू है वो उसकी वैल्यू वन परसेंट हो जाएगी ओके सो अर्थ के सरफेस के ऊपर जितनी वैल्यू है उस वैल्यू से वन परसेंट उसकी वैल्यू हो जाएगी ऐसी हाइट हमें पता करनी है राइट right? So, इसको कैसे पता करेंगे देखो हमें जी का फॉर्मूला तो पता है जी प्राइम ये है उस जगह पे हाइट जो है ना वो वन परसेंट वो है हमें यहाँ पे h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें क्या दिया गया है हमें जी प्राइम जो है उसकी वैल्यू बताई गई है इन टर्म्स ऑफ g वो बताई गई है वन परसेंट ओके सो वन परसेंट का मतलब होता है कि g Uh, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या कि g अपॉन हंड्रेड इज इक्वल टू जी इन टू ब्रैकेट स्कट g अपॉन हंड्रेड R R right. इसका मतलब वैल्यू है वो अगर टू परसेंट होती है तो टू जी अपॉन हंड्रेड ऐसा हम लिख देते राइट right. अगर टेन परसेंट होती तो वन अपॉन टन जी अपॉन टेन मतलब जी अपॉन टेन ऐसा हम लिख देते राइट right. ठीक है So, यहाँ पे क्या हो जाएगा अब देखो यहाँ पे ये जो g की वैल्यू है ये g और ये g की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी राइट right? और अपना इक्वेशन क्या हो जाएगा अपना इक्वेशन हो जाएगा सो R R so, यहाँ पे जो स्क्वायर की वैल्यू है उसको हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ले लेते हैं सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट वन अपॉइन टेन इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच ओके, okay, so इसको सॉल्व करना है तो चलो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं सो आर प्लस एच ब्रैकेट जो है उसको वन के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और टेन जो है उसको आर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे सो so अपना इक्वेशन हो जाएगा आवर इक्वेशन विल बिकम टेन आर इज इक्वल टू आर प्लस एच सो इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं so, so, okay. so, कितनी हाइट पे हमें वैल्यू जो है ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की वैल्यू वन परसेंट मिलेगी सो so, वो जो टर्म है मतलब हाइट एच इज इक्वल टू नाइन आर की जगह पे सरफेस ऑफ अर्थ से लेके नाइन आर डिस्टेंस के ऊपर हमें जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो वैल्यू मिल जाएगी वन परसेंट